हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे आबाद होंगे। दोस्तों, आपके जो डिमांड के अनुसार आपने कहा, खास करके एक स्टूडेंट का कमेंट था, शंकर लाल योगी, उनके कमेंट्स तो पढ़ने के बाद बड़ा मजा आ जाता है। हर बार उनके कमेंट्स बड़ा ही जानदार होते हैं। तो शंकर लाल योगी ने कहा था कि सर मैं खा के सो गया, इसका ट्रांसलेशन बताइए। तो आपको आपके जो सवाल हैं वो परफेक्ट पार्टिसिपल से रिलेटेड हैं, और अभी हम लोग पार्टिसिपल पढ़ भी रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में। दोस्तों, जब भी पार्टिसिपल का यूज हो तो आप समझ लीजिए कि ये हमारा एडजेक्टिव है, और वर्ब से बनने वाला जितने भी नॉन फाइनाइट है उसमें दो गुण होता है। सारे वर्ब से बनने वाले जो नॉन एडजेक्टिव एडवर्ब होंगे, एक तो वर्ब का गुण होगा, साथ ही साथ इसमें एडजेक्टिव का भी गुण होगा, यानी कि वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का गुण है, इसीलिए इसको वर्बल एडजेक्टिव भी आप कह सकते हैं। अब परफेक्ट जहां पे भी वर्ड आ जाता है ना, तो इसका मतलब समझना कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलें या परफेक्ट पार्टिसिपल बोलें या फिर प्रेजेंट परफेक्ट बोलें या फिर आपका पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट यानी कि कंप्लीटेड एक्शन। तो अगर ऐसा कोई एक्शन आपको दिखाना है जो पास्ट में हो चुका है, और खास करके दो एक्शंस को आप पास्ट में दिखा रहे हैं, और दोनों एक्शंस जो हुआ है उन दोनों एक्शंस अलग अलग टाइम फ्रेम्स में हुआ है, यानी एक घटना जो हुआ है वो पहले हुआ है और एक घटना के कंप्लीशंस के बाद दूसरी घटना हुई है, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल का जब यूज करेंगे तो दोनों घटनाएं एक साथ चलती है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्सेस परफेक्ट पार्टिसिपल भी हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल परफेक्ट पार्टिसिपल से कुछ सवाल आपके सामने मैं रखूंगा। अब चूंकि ये वर्ब का फॉर्म है, नॉन फाइनाइट है ना, तो ये वर्ब का फॉर्म है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म को कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। और ये ध्यान रखना पड़ता है कि जिसको ये क्वालिफाई कर रहा है वो डूअर है या नॉन डूअर है। अगर नॉन डूअर है तो फिर आप इसको पैसिव फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप नॉन फाइनाइट में फुल इन्फिनिटिव का, परफेक्ट इन्फिनिटिव का, परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव भी बनाते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो हैविंग प्लस वी थ्री तब यूज करेंगे जब ये जिसको क्वालिफाई कर रहा है वो डूअर होना चाहिए, और ये हैविंग इन प्लस वी थ्री तब बनाएंगे जब ये जिसको क्वालिफाई कर रहा है वो नॉन डूअर होना चाहिए, राइट? अच्छा, अगर ये कोई एडजेक्टिव है, चाहे वो एडजेक्टिव फ्रेज हो या फिर वो पार्टिसिपल फ्रेज हो, चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज हो या फिर आपका परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज हो या एडजेक्टिव क्लाउज हो, ये उसी नाउन को क्वालिफाई करेगा जो इसके नजदीक होता है। तो अगर मैं यहां पे सवाल कुछ रखता हूं और सवाल रख के मैं आपसे बात करता हूं, और आप जरा तय करिएगा कि कहां पे क्या कमी रह गई है या सही है, तो सही कर दें। तो यहां पे मेरा एक सवाल है जो आपके सामने है, हैविंग टाइप्ड। तो जैसे ही हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म है, बिना कुछ सोचे दिमाग में रख लीजिए कि परफेक्ट पार्टिसिपल है। हैविंग टाइप्ड द लेटर, इट वॉज पोस्टेड। ठीक है, एक ये वाक्य मैं दे रहा हूं। दूसरा वाक्य मैं दे रहा हूं, हैविंग been typed the letter I posted it, right? दो वाक्य आपके सामने हैं, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि having typed और having been typed, ये दोनों हमारा perfect participle है। ये structure active के लिए है और ये structure passive के लिए है। तो ये दोनों having typed और having been typed हमारा participle है, इतना तो समझ रहे हैं ना। ये भी हमारा participle है, ये भी हमारा participle है, अर्थात ये भी adjective है, ये भी adjective है। अब verb से बना है तो verb का भी गुण है और adjective का भी गुण है, दो दो काम करता है ये। जितने भी verb से बनने वाले non finite हैं, दो काम करेंगे, पहले तो ये बात दिमाग में रख लीजिए। अब देखिए कि अगर ये verb है तो फिर ये later क्या है, तो ये लेटर कहा जाएगा इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। यहां पे टाइप क्या किया गया, लेटर, तो लेटर क्या कहा जाएगा, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया, अब ये पूरा मिलके
हमारा बन जाएगा पार्टिसिपल फ्रेज। अब ये पार्टिसिपल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज किसको क्वालिफाई करेगा? तो ये क्वालिफाई करेगा इसके पहले वाले नाउन है उसको, या फिर क्वालिफाई करेगा जो मेन क्लॉज का पहला सब्जेक्ट है वो, राइट? तो आप सिंपल भाषा में समझिए कि अगर हैविंग के पहले अगर सब्जेक्ट नहीं है तो फिर इस मेन क्लॉज का जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट माना जाएगा इस वर्ब का भी, और इस वर्ब जो मेन क्लॉज में वर्ब हुआ है इसका भी, इस वर्ब का भी सब्जेक्ट ये हुआ और इस वर्ब का भी सब्जेक्ट यही होता है। अब आप देखिए यहां पे वर्ब को देखिए, हैविंग टाइप्ड द लेटर, लेटर टाइप करने के बाद, यानी कि ये डिफरेंट फ्रेम में हुआ है काम, कि लेटर पहले टाइप हो गया उसके बाद इसे पोस्ट किया गया। तो यहां पे सब्जेक्ट जो देखिए, इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, क्या लेटर के बदले में आया है, क्या इसका मतलब हुआ लेटर, तो क्या लेटर पोस्ट किया या लेटर को पोस्ट किया गया? तो यहां पे स्ट्रक्चर के हिसाब से ये हमारा नॉन डूअर है। तो अगर ये हमारा सब्जेक्ट जो यहां पे है वो नॉन डूअर है तो इसका स्ट्रक्चर भी पैसिव में होना चाहिए। तो हैविंग टाइप्ड ये तो एक्टिव के लिए है, तो यही सब्जेक्ट इसका भी हो जाएगा, यानी कि लेटर, इसका इट का मतलब यहां लेटर समझिए। तो अब आप बताइए कि यार लेटर टाइप कर लेगा खुद से अपने से, नहीं कर पाएगा, तो ये हमारा नॉन डूअर हो गया। मैंने क्या बताया कि दोनों वर्ब का सब्जेक्ट कॉमन होता है, तो फिर यहां पे लेटर टाइप, लेटर खुद से तो टाइप करेगा नहीं, तो यहां पे लेटर जो है हमारा नॉन डूअर है, तो नॉन डूअर है तो ये स्ट्रक्चर गलत हो गया। यहां पे होना चाहिए हैविंग बीन, ये सही है, या फिर इसको हम दूसरे तरीके से भी सही कर सकते हैं। लेकिन पहले इस सिंपल स्ट्रक्चर को देखिए, अगर मैं यहां लिखता हैविंग बीन टाइप द लेटर इट वॉज पोस्टेड, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा तरीका है उस पर भी मैं आ रहा हूं, अगर हम इसी वाक्य को चाहते, अगर ऐसा लिखा होता, इसको एक बार आपने देख लिया, इसको मैं इस तरह से भी बना सकता हूं, हैविंग बीन टाइप द लेटर इट वॉज पोस्टेड बाई मी बाई हिम, जो भी सब्जेक्ट यहां दे दें। दूसरे तरीके से देखिए, यहां का अगर सब्जेक्ट नॉन डूअर है, उस वर्ब का ये नॉन डूअर है, तो इस वर्ब का भी नॉन डूअर ही माना जाएगा, पैसिव में बना। या इसको मैं ऐसे कर दूं कि इसके अनुसार हैविंग पोस्टेड, ये रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, हैविंग पोस्टेड, हैविंग टाइप द लेटर, हैविंग टाइप द लेटर आई पोस्टेड इट। अब जरा देखो, इस वर्ब का सब्जेक्ट भी यही है, इस वर्ब का सब्जेक्ट भी यही है, क्या मैं पोस्ट कर सकता हूं? यस, तो मैं पोस्ट कर सकता हूं, मैं डूअर हो गया, तो यहां पे भी वही सब्जेक्ट हो गया, यानी कि मैं टाइप किया हूं लेटर और उसके बाद मैंने पोस्ट किया है, तो यहां डूअर हो गया, ये इस वर्ब का भी सब्जेक्ट है वो डूअर है, इस वर्ब का भी सब्जेक्ट डूअर है, तो हैविंग टाइप्ड, Having typed the letter, I posted it, ये बिल्कुल आपका सही है। तो ये भी एक तरीका हुआ, या फिर उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। अब यहां पे इस वाक्य को देखिए, Having been typed the letter, मैंने बोला कि दोनों फ्रेज, ये फ्रेज है जो एडजेक्टिव और वर्ब दोनों का काम कर रहा है, इसलिए मैं वर्ब अगर बोलूं तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये वर्ब भी है बेसिकली और एडजेक्टिव भी है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट और उस वर्ब का सब्जेक्ट, इस वर्ब का सब्जेक्ट एक ही होता है। अब जरा चेक करो, यहां पे जो सब्जेक्ट है डूअर है कि नॉन डूअर है, मैं पोस्ट किया यानी कि मैं डूअर हो गया ना, तो मैं डूअर हो गया, तो यही डूअर यहां भी आ गया, तो जब ये डूअर आ रहा है पहले तो पैसिव में कैसे लिख रहे हैं, फिर इसको बिन हटा दीजिए, एक्टिव स्ट्रक्चर के लिए हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, इस तरह से ये हमारा वाक्य सही हो गया, सही है। या हम दूसरे तरीके से अगर बनाना चाहें तो हैविंग बीन टाइप द लेटर इट वॉज पोस्टेड बाई मी, वो भी तरीका सही है। तो ये है कि दोनों घटना पास्ट में हुआ है लेकिन अलग अलग टाइम फ्रेम में हुआ है, यानी दोनों घटना के बीच में इंटेंसिटी कम है, विरामावस्था ज्यादा है, बड़ा इंटरवल है, ये समझिए। जैसे मैं एक और दे रहा हूं, इसको आप समझने का कोशिश करेंगे। अगर मैं यहां लिखूं कि हैविंग बीन कंपोज्ड द पोयम, हैविंग बीन कंपोज्ड द पोयम, I
recorded it. I recorded it on the CD. अब इस वाक्य को देखिए और ध्यान से देखिए और पूरा टाइम लेके आप इस वाक्य को सही करिए। कई बार बच्चे पूछते हैं कि इसमें ईयर किस पार्ट में है, तो ये सवाल मैं ही आपसे पूछ लेता हूं, शायद आप सही जवाब दे दें, क्योंकि आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं इतने दिन से, आप जरूर लॉजिकली साउंड हो चुके होंगे, हर जगह तर्क लगा रहे होंगे, एक एक शब्द का बनावट बनावट जो आपस में लॉजिकल कनेक्शन है शब्दों और फ्रेजेस के बीच में, उसको आप समझने लगे होंगे। और नहीं तो मैंने तो आपका ऑनलाइन क्लास वीडियो क्लासेस में शुरू करने वाला हूं, लेकिन कुछ वजहों से अभी जो दशहरा का टाइम चल रहा है ना, तो दशहरा में कोई नया काम शुरू करने में थोड़ा सा मना करते हैं कुछ लोग, तो मैं दशहरा जैसे ही खत्म होगा तो आपको 23-24 तारीख से मैं एक फाइनल अनाउंसमेंट का वीडियो बना के उसमें बता दूंगा कि 23 तारीख से 24 तारीख से आपसे सिस्टमेटिकली मैं जुड़ूंगा और इतना फोकस करके हम लोग पढ़ेंगे, इतना अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि जितना कमांड आपका होगा किसी पर्टिकुलर चैप्टर पे, उसका उतना कमांड किसी का नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक एक शब्द लॉजिकली जोर के पढ़ेंगे, क्योंकि वही चीज में सारा सार है कॉम्पिटिशन्स का, और कम समय में आप किसी भी एग्जाम में टॉप पोजिशन पे होंगे मिनिमम टाइम में, दैट इज ओनली द टारगेट ऑफ अस, यानी बोथ ऑफ अस। तो यहां पे देखेंगे, अब जरा देखो, मैंने बोला कि इस मेन क्लाउज का वर्ब का सब्जेक्ट भी यही रहता है और इस फ्रेज जो है पार्टिसिपल फ्रेज, इस वर्ब का सब्जेक्ट भी यही रहता है। तो बोलिए मैंने रिकॉर्ड किया, यानी मैं डूअर हो गया, तो अगर मैं डूअर हो गया तो यहां का सब्जेक्ट भी यही रहता है, यानी यही यहां पे भी मान के चलिए, यानी कि मैं रिकॉर्ड किया, क्या मैं कंपोज किया, क्या कंपोज किया, पोयम। इस वर्ब का ये सब्जेक्ट और इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये सब्जेक्ट हुआ। तो जब सब्जेक्ट पहले आ रहा है तो फिर पैसिव स्ट्रक्चर में कैसे किए, तो फिर ये गलत हो जाएगा, सही है। या अगर उसको पैसिव में किया है तो आप इसको ऐसे बना दीजिए, हैविंग बीन कंपोज्ड, हैविंग बीन कंपोज्ड द पोयम वॉज रिकॉर्डेड ऑन द सीडी बाय मी। अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे जो मेन वर्ब है इसका सब्जेक्ट है पोयम, जो नॉन डूअर है तो इसका भी नॉन डूअर हो गया, तो यहां पैसिव में बनाया गया है, दैट्स एब्सोल्युटली राइट, सही है कि नहीं। तो ये देखने का तरीका है। एक और एग्जांपल बताएं, इतना काफी है, एक और एग्जांपल देखिए सिंपल सा। जैसे अगर मैं कहूं कि नहाने के बाद मैं दरवाजा बंद कर दिया था, नहाने के बाद यानी कि पहले नहाया फिर दरवाजा बंद किया, जैसे अगर मैं कहूं हैविंग टेकन, और टू लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, थर्ड फॉर्म अ बाथ, बाथ यहां पे नाउन है इसलिए डिटरमिनर आ रहा है, हैविंग टेकन अ बाथ आई शट द डोर। ये सिंपल तरीके से मैं पूछ रहा हूं, बोलो कौन शट किया, मैं किया, कौन नहाया, मैं नहाया, तो जो इस वर्ब का सब्जेक्ट है वो भी इसी वर्ब का सब्जेक्ट है, तो मैं नहाने वाला कौन, मैं, तो फिर ये वाक्य बिल्कुल सही है। और अगर मैं इस वाक्य को ऐसे लिख देता कि हैविंग टेकन अ बाथ, Having taken a bath, the door was shut by me. The door was shut by me. तो पता है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ये जो verb है या जो adjective हम phrase बोल रहे हैं, participle phrase, adjective phrase होता है, इसका मतलब ये है कि ये सारी जानकारी इसके लिए हो गई, ये इसका subject हो गया। यानी कौन नहाया? यानी दरवाजा नहाया। दरवाजा नहाया उसके बाद दरवाजा को मेरे द्वारा बंद किया गया, यानी दरवाजा नहाया। क्या आपको लगता है कि दरवाजा कभी नहाएगा? नहीं। तो ये यहां पे गलत हो गया है, तो इस तरह से इसको बनाएंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा, सही है। ये तरीका है, आप देखिए इस तरीके से सब चीज को बनाना है। और आज मैंने हल्का सा ये आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में, जैसे एक दो एग्जाम्पल और देखिए, जैसे अगर मैं कहूं हैविंग अरेस्टेड The thieves were sent to jail.
Having arrested the thieves were sent to jail. अब इस वाक्य को जरा ध्यान से देखो, आप देखना कि ये हमारा having plus V3 है, ये हमारा perfect participle है, और ये perfect participle adjective के साथ साथ verb है, उसका subject ये माना जाएगा, इस verb का subject भी ये माना जाएगा। तो thieves को जेल भेजा गया या thieves खुद चला गया जेल? नहीं, भेजा गया, तो passive है, non doer है, तो इसका भी ये non doer हो जाएगा। तो having arrested हो जाएगा या having been arrested हो जाएगा? passive हो जाएगा ना, समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस तरह से सोचिएगा, और आपके जो सवाल होंगे वो इतना क्वेश्चनिंग करो, इतना क्वेश्चनिंग करो कि तुम्हारे हर डाउट क्लियर हो जाए। हर डाउट को आप यकीन मानिए, आपके सवालों को देखने के बाद मेरी जो खुशी होती है, मेरी जो मेरा जो अरमान होता है, और ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ाने का बताने का, वो सातवें आसमान पे चला जाता है। क्योंकि मेरी शक्ति इस चीज में है कि पूछने वाले कितने लोग हैं और कितने अच्छे सवाल पूछते हैं। अगर अच्छे सवाल पूछते हैं तभी तो मेरे नॉलेज का, मेरा एक्सपीरियंस का कोई फायदा होगा। आप जितना ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए, और कोई केबीसी में बैठेगा 7 करोड़ 5 करोड़ जीतेगा। अगर आपने नौकरी प्राप्त कर लिया गवर्नमेंट जॉब, तो आप ऐसे ही करोड़पति हो गए, इतना बड़ा आदमी बन गए अपने माँ बाप, अपने गुरु के नजरों में, अपने चाहने वाले के नजरों में। आज सबसे बड़ा चैलेंज और चुनौती आपके सामने है दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना। और गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना है तो एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज कहीं नहीं करना है, हमें जीत और मेहनत करना है। पूरा कमर कस लीजिए, जितने मन के डाउट हैं उसको डाउट मत रहने दीजिए, सवाल पूछिए, जवाब मैं दूंगा, हर कदम पे आपके साथ रहूंगा, जब तक आखिरी दरवाजा सफलता के आप तोड़ ना दें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।